पूर्वांचल हमारे कंट्रोल में है और रहेगा, और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो आज दिखा दे। आजकल हर कोई बस मिर्जापुर 2 की ही बात कर रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ये अब तक की सबसे अच्छी वेब सीरीज है। मिर्जापुर सीरीज जितनी पॉपुलर है उतनी ही पॉपुलर है इसके किरदार, और खास करके कालीन भैया का तो कहना ही क्या। पंकज त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे बन चुके हैं। पंकज के किरदार ही नहीं बल्कि उनके रियल लाइफ से जुड़े किस्से भी उनके फैंस खूब पसंद करते हैं। ऐसे ही दो मजेदार किस्से आज हम आपको बताएंगे, तो चलिए आपको बताते हैं पहला किस्सा। मगर उससे पहले अगर आपने नहीं किया है रियल रिवाइंड को सब्सक्राइब तो अभी कीजिए, और साथ में लगा बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रियल रिवाइंड और मैं हूँ फरहा। पहला किस्सा उस वक्त का है जब पंकज NSD में थे। आपको बता दें कि पंकज अपनी पत्नी को लेकर बॉयज हॉस्टल में रह चुके हैं। प्यार से मदहोशी में स्वप्न सुंदरी की तरह लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, इस टाइप का भाव आएगा तुम्हारे, तुम्हारे सांसें तेज हो जाएगी, धड़कने बढ़ जाएंगी, बार बार बेडरूम 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 याद करने लगोगे, पर अपने क्या करना है, साथ ही चलते जाना है। नहीं, कोई ऐसा मर्द नहीं पैदा हुआ जो स्त्री के तीसरी आवाज के बाद मुड़ ना सके। दरअसल NSD पास करने से पहले उनकी शादी हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने गुपचुप तरीके से अपने रूम में अपनी पत्नी को रख लिया था। लेकिन हॉस्टल से जुड़ी दिलचस्प बात ये थी कि वहाँ लड़कियों के आने की मनाही थी। आम तौर पर बॉयज हॉस्टल में लड़के कम कपड़े पहनकर घूमते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पंकज की पत्नी उनके साथ रहती हैं, तो सभी ने बहुत सपोर्ट किया और सभी बड़े ही अच्छे से वहाँ रहने लगे। इसके साथ ही उन लोगों का बिहेवियर भी काफी शांत हो गया। लेकिन अफसोस की बात ये कि पत्नी के साथ रहने की बात वार्डन को पता चल गई, और उसके बाद पंकज को हॉस्टल छोड़ना पड़ा। Excuse me, Motama. Where you go? Pandiji, up? Pulling is thrilling? Pulling is thrilling, both are struggling. मैडम से मिलवाओ जरा। NSD से पास होने के बाद पंकज फौरन ही पत्नी के साथ मुंबई चले गए थे, और मुंबई से जुड़ा हुआ ही कालीन भैया का दूसरा किस्सा है। जब पंकज एक्टिंग के लिए मुंबई पहुंचे तब मेल की सुविधा नहीं होती थी, फोटो देखने के बाद ही ऑडिशन पर बुलाया जाता था। उस वक्त कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते थे और एक्टर्स को कास्ट करने के लिए प्रोफेशनल माहौल नहीं होता था। ऐसे में लोग काम पाने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर और फिल्म की यूनिट से जुड़े लोगों को मस्का लगाया करते थे, जिसकी वजह से स्ट्रगल काफी बढ़ जाती थी। बेटा, हमारी पुरानी गाड़ी है, बार बार सर्विसिंग का कुछ न कुछ काम निकल ही आता है। पिछले हफ्ते ही बवासीर ठीक हुई है। और फिर भी जब काम नहीं मिलता तो पंकज ने एक जुगाड़ सोची। काम पाने के लिए प्रोडक्शन हाउस में ये कहना शुरू कर दिया कि उन्हें ईश्वर जी ने भेजा है, जिसके बाद उनकी एंट्री हो जाया करती थी। लेकिन जब अंदर पहुंचकर उनसे ईश्वर के बारे में पूछा जाता था तो उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता था, और वो ऊपर आसमान की तरफ उंगली उठा देते थे। उनके ऐसा करने पर कई बार लोग उनके सेंस ऑफ ह्यूमर से इम्प्रेस हो जाते, तो कई बार लोग ऐसे भी थे जो उन पर गुस्सा करते और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते थे। फिर भी पंकज ने कभी हार नहीं मानी। 2004 में उन्हें रन फिल्म में पहला काम मिला था। क्या खाए थे? Well, I had a malanch. ए भाई, क्या बोल रहे हैं? I had. दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया, वो कौवा बिरयानी है। अब स्क्रीन अपीयरेंस कुछ सेकंड्स का ही था, मगर राह खुल गई थी। पहला बड़ा ब्रेक गैंग्स ऑफ वासेपुर से मिला, और फिर पंकज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नया बहाली है का? यहाँ का करने आये? इस जगह का नाम वासीपुर है, समझ गए? यह तमाशा चल रहा है का? चलो। आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज के रियल रिवाइंड में बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी और भी दिलचस्प किस्सों के लिए सब्सक्राइब कीजिए रियल रिवाइंड को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।